लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जो यूनिट है फोर्थ, जो फर्स्ट यूनिट थी जिसमें मैंने फोर्थ नंबर पे करवाई है, तो इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन बी पार्ट के लिए थोड़ा कुछ और देखना पड़ेगा मेटेरियल। तो देखें, मैं निकलवाऊंगा स्पास रेखीय वेग तथा अभिलंबिक वेग। बात सुन ले आप, समझाता हूँ क्या सिस्टम। देखें, सबसे पहले तो आप मेन जरूरत समझें इन चीजों की, मेन जरूरत जो है वो समझे, क्योंकि अपने पास वेग का फॉर्मूला था, अरिया वाला था, अनुप्रस्थ वाला था, लेकिन देखो वो किस फॉर्म में थे, आर में और थीटा फॉर्म में थे, है ना। अब जो चले वो नेज फॉर्म में चलेगी, नेज यानी कि एंगल, तो वहां पे साइन होगा, यहाँ पे एंगल साइन होगा और आर की जगह एस होगा, यानी कि चाप और एंगल की बात होगी, ठीक है ना। तो और स्पर्श रेखा, वो वाले जो एंगल थे वो एक तो अनुदिश वाले थे और ये वाले थे, ये स्पर्श रेखा, कोई ना कोई स्पर्श रेखा टलेगी, उसके अनुदिश ये वेग होंगी और उसके परपेंडिकुलर अभिलंबिक वेग होगा। तो सबसे पहले होता है कि नेज समीकरण क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि जो एस यानी कि चाप और जो साइन होता है, एक एंगल होता है साइन जो बनता है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनता है, उसके जो दोनों के मध्य जो संबंध होता है वो नेज संबंध कहलाता है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले ये निकालने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डायग्राम ही है, अगर डायग्राम आपने सही बना दिया तो आपके क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला और एक मान लेते हैं ये पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये वो चाप है, है ना। इसको देखो मैं आगे बढ़ा, ये सेम है जो पहले बनाया था उसका डायग्राम सेम आएगा बिल्कुल, ठीक है। ये वाला यहाँ से ये 90 हो गया, ठीक है ये 90 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 90 और यहाँ से ये एंगल बना रहा है साइन और ये बना रहा है साइन प्लस डेल साइन। अगर ये डेल साइन बना रहा है यहाँ पे, ये कितना बना रहा है, डेल साइन बना रहा है, तो यहाँ डेल साइन बना रहा है, तो देखें यहाँ पे कितना बनेगा वो देखें, ये बनेगा यहाँ पे भी डेल साइन, यहाँ डेल साइन, यहाँ भी डेल साइन। इसको आगे बढ़ाओ, स्पर्श रहेगा इसको नीचे उतारो, स्पर्श रहेगा इसको नीचे उतारो, यहाँ एंगल कितना बना, साइन प्लस टेन साइन। तो आपको सिर्फ ये वाली जो रेखा है वो मैंने आपको पहले वाले डायग्राम से मैच करने के लिए बनाई है, बाकी इसका कोई खास मीन नहीं है इस वाली लाइन का, आप मिटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, ठीक है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं तो मैंने कोई पॉइंट चाप का एक पॉइंट लिया क्यू, उस पर मैंने स्पर्श रेखा डाली है, ठीक है ना, और वो एंगल बना रही है साइन प्लस टेन साइन। तो अगर ये जितना एंगल बनाएगी साइन प्लस टेन साइन और ये बना रही है कितना साइन, तो ये कितना बनाएगी फिर, ये कितना बनाएगी, और ये बहिष्कोण हो गया ये साइन, तो ये भी कितना डेल साइन, तो ये भी डेल साइन, ठीक है। वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है। अपने को डायग्राम याद रखना है बस, ठीक है, इतना ही करना है। अब देखें, इसको ये पॉइंट पी था, ये क्यू था, इसको एम नाम दे देता हूँ ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्श रेखीय वेग। देखें स्पर्श रेखीय वेग, हाँ, तो क्या हो जाएगा कि भाई ये ओ से जो पी की दिशा में जो वेग हुआ वही होगा। तो लिमिट ला लाओ, सबसे पहले लिमिट डेल साइन इज गोइंग टू जीरो, ये डेल साइन इज गोइंग टू जीरो, और देखें मान कितना है क्यू एम पाई डेल बी, भाई ये जो वैल्यू होगी यही तो होगा स्पर्श रेखा वेग, भाई इसके जो स्पर्श रेखा वेग होगा वो यही तो होगा क्यू एम का मान, सॉरी क्यू नहीं पी एम, सॉरी 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 पी एम, है ना पी एम, ये वाली वैल्यू तो होगी पी एम, क्योंकि देखो ये वाली इसके यही तो है अनुदिश, स्पर्श रेखा का मतलब वही होता है, अरियली समझो आप इसको, ये वाला, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा क्यू एम, वो हो जाएगा कौन सा अभिलंबिक वाला, हाँ ऐसे ही तो है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये कितना है पी एम, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला वेग आ जाएगा, तो ये इसके स्पर्श रेखी, ये कोई स्पर्श रेखा डाली हुई तो है क्यू एम पी एम, सॉरी तो पी एम, तो पी एम का मान किससे निकालेंगे, त्रिभुज पी क्यू एम से, तो पी क्यू एम में लगाएंगे अपन कोस डेल साइन, देखिए सारी वैल्यू यही निकाल लूँ मैं, ठीक है कोस डेल साइन, तो कोस डेल साइन लगाएं लगाऊंगा, और ये देखो ये क्यू एम क्या, कोई चाप थी उसका मान है एस, ये डेल एस है डेल एस, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा वो वैल्यू जो है वो हो जाएगी क्यू एम की
पी सॉरी पीएम की डेल शर साइन ही भाई डेल डेल एस ठीक है ना। पीएम कितना हो जाएगा ऐसे देखिए डेल एस और कोस डेल से ये तो वैल्यू हो जाएगी पीएम की। इसी प्रकार जो क्यूएम की वैल्यू होगी ये परपेंडिकुलर वाली वो साइन में आ जाएगी यानी कि डेल एस साइन डेल से। बस ये दोनों वैल्यू अपने को लिखनी है निकालनी है। अगर एक साथ आर्टिकल करवाते हैं तो एक साथ निकाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं। मैं एक साथ समझा रहा हूँ इसलिए एक साथ ही निकाल रहा हूँ सब कुछ ठीक है। अब देखें अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे और लिख दे रहे हैं यहाँ पे लिख दूंगी मैं डेल साइन इज गोइंग टू जीरो ठीक है। पी एम कितना है डेल एस और कोस डेल साइन बाई डेल टी ठीक है। अब देखें कोस डेल साइन का मान मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब लिमिट होती है तो इसका मान क्या होता है लिमिट कहाँ होता है यहाँ होता था तुम हाँ याद है क्या आप छोटा सा जो कोस डेल साइन होता है उसकी सरसमिका होती है वन माइनस डेल साइन का स्क्वायर प्लस डेल साइन का फोर ये टू फैक्टोरियल आता है फोर फैक्टोरियल आता है। अगर डेल साइन जीरो है मतलब जीरो के ऊपर अगर सर है तो इसका मतलब क्या है ये सब खत्म हो जाएगा एक आ जाएगा। कोस डेल साइन का जो मान है वो कितना आ जाएगा लिमिट लगाने का एक। ऐसे साइन की खोलना और उसमें वन नहीं आता वो डेल साइन से शुरू होता है तो वो जीरो आ जाता है ना इसे ध्यान रखना आपको ठीक है। ये मैंने पहले बताया था पीछे वाले आर्टिकल में तो आप वहाँ देखोगे तो भी क्लियर है चीज़ें ठीक है। अब देखिए कोस डेल साइन क्या हो जाएगा वन तो वन हो जाएगा बाहर निकल दें लिमिट डेल साइन डेल एस अपॉन डेल साइन और अगर लिमिट हटाएंगे तो हो जाएगा डी एस बाई डी साइन और ये क्या होता है डी एस बाई डी साइन डी साइन बाई डी डेल टी है टी चल रहा टी 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 हाँ टी इज गोइंग टू जीरो ठीक है टी हाँ एंगल बहुत शॉर्ट है तो एंगल की वजह से चल रहा है एंगल ये भी देखें डी एस अपॉन डी टी आ जाएगा है ना और साइन कहीं भी नहीं है साइन अपन कैसे रखते हैं साइन ऐसे रख सकते हैं जैसे कोस डेल साइन का मान दिखाना है तब अपने को पता होना चाहिए कि साइन लगेगी में क्योंकि टी का तो फ्रैक्शन ही नहीं है हुआ ना तो ये वाला ठीक है। अब ये भी टी है इज गोइंग टू जीरो अभी देखें डी एस अपॉन डी टी आ गया ठीक है। ये जो है इसको अपन एस के ऊपर ये भी लिख सकते हैं यानी कि स्पर्श रेखा वेग कितना आ गया डी एस बाई डी टी ठीक है ना। ये ध्यान रखना अपनी बात कर लेता हूँ अभी लंब वाले देखो अभिलंबित वेग अभिलंबित वेग तो कितना आ जाएगा लिमिट डेल टी इज गोइंग टू जीरो कितना आ जाएगा क्यू एम बाई क्यू एम बाई डेल टी और क्यू एम का मान कितना है मैंने अभी भी निकाला था डेल एस साइन डेल साइन बाई डेल टी। अब देखिए लगाएं लिमिट तो वही लिमिट कैसे लगी देखो आपको ये प्रॉपर लगा के दिखाता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से जो डेल एस अपॉन डेल डी ठीक है फिर लिमिट डेल साइन अपॉन हाँ भाई सर ये टी नहीं लगेगा अब टी नहीं लगेगी इसी वजह से वहाँ उसमें लगाया था मैंने देखो डेल टी का फ्रैक्शन ये था तो इसमें लग गए ये साइन का फ्रैक्शन तो इसमें साइन लगेगा ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो जीरो जीरो हो रही है लिमिट रखने पर तो टोटल कितना है जीरो इसके साथ गुणा होगा जीरो यानी कि अभिलंबित वेग जो है वो जीरो होता है ध्यान रखना आपको ठीक है। बात कर देखिए अब त्वरण की बात करूं मैं त्वरण लिखता हूँ समझ गए त्वरण ठीक है दो फॉर्मूले होगा दो और निकलवा देता हूँ आपको एक तो जीरो हो ही गया तो एक तो फॉर्मूला कैंसिल हो ही गया ना। अब देखिए ये कोई रेखा है ये कोई पॉइंट पी है यहाँ से ये कोई स्पर्श रेखा है ना ये कोई पॉइंट पी है ये क्यू है चाप की लंबाई एस है और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा डाल रहा हूँ ये कितना है ना ये साइन एंगल बना रही है साइन प्लस डेल साइन एंगल बना रही है वही ये डेल साइन बना रही है ना। अब इसको आगे बढ़ाऊँ तो भी कितना बनाएगी डेल साइन बनाएगी हाँ ऐसा ही है हम भी कितना बनाएंगे डेल साइन। अब देखिए
ये जो है इस रेखा, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसका वेग कितना है v, और इसका कितना है v प्लस डेल ए तो होगा हाँ, भाई उनका वेग भी होगा, जैसे उन उसमें दूरी हो रही थी तो इसमें वेग हो रहा है v। अब देखिए ये डेल सही बना रहा है कि कोस वाला घटक हो जाएगा, कि हो जाएगा v प्लस डेल v और कोस डेल साइन, और इसका साइन वाला घटक बनेगा यहाँ पे देखिए इसके लिए वन, तो बन जाएगा v प्लस डेल साइन साइन डेल साइन, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। अब देखें ये वाला और ये वाला ठीक है, तो घटक हो गए। अब देखें बात कर लेते हैं स्पर्श रेखा के त्वरण की, स्पर्श रेखा त्वरण देखें, देखें अब देखें वो लिमिट डेल्टा इज गोइंग टू जीरो, स्पर्श रेखा का मतलब अनुदिश वाला, तो अनुदिश तो ये देखो v हाँ। अब देखो ये v माइनस क्यों हुआ बताता हूँ, सुनो जैसे अपन फिजिक्स पढ़ते थे तो अपन को पूछा जाता है कि वहां पे वेग इतना है, वहां पे वेग इतना है, औसत वेग निकालो, तो ऐसा दूरी देते ना अलग अलग, या फिर वहां पे वेग इतना है ये वो इतना है, तो जो तार्किक त्वरण निकालो ये वो निकालो, तो अपन हमेशा माइनस करके निकाल देते कि वहाँ पे इतना है इस पे इतना है, और दूसरा माइनस करने का रीज़न ये है कि बड़े में से छोटा घटा के उसमें डेल्टा का भाग देते हैं तो फॉर्मूला बनता है ना। अब और अगर और आप इसको रिलेट करना चाहो, अगर और रिलेट करना चाहो तो आप देखें ये वाली जो वी है और ये स्पर्श रेखा है तो उसमें एंगल का भी आप डाल सकते हो लॉजिक, लेकिन एंगल की से बड़ी बात ये होती है कि अपन हमेशा ये लिखते हैं कि जो Q बिंदु पे जितना वेग है और P पे जितना वेग है, इस पर स्पर्श रेखा की वेग कितना है, Q की बात करूँ तो Q पे कितना है U प्लस डेल वी कॉस साइन, ये इसी पॉइंट का वेग है ये वाला, ये वाले तो मैंने सिर्फ दिखा है, ये वेग इधर ही अलग है, ये इस वाले का वेग है और ये इस वाले का वेग, Q पे कितना है V प्लस डेल वी, इस पर तो V है ना, और इसका फिर ये डेल साइन एंगल बना रहा है इसीलिए इस रेखा पे इतना हो रहा है ना, वेग तो एक्चुअल में तो क्यू पॉइंट है ना, इसीलिए। तो आप ऐसे करोगे फिर लिखना आपको क्या, अपन जानते हैं देखो तो लिमिट डेल साइन इज गोइंग टू जीरो तो कोस डेल साइन का जो मान है वो वन हो जाएगा, तो वन हो जाएगा देखो रखें वन रख दें, उसके बाद देखते हैं क्या आता है वी प्लस डेल वी माइनस वी, तो वी से वी कट गया अपॉन डेल के, तो लिमिट लगा दें, लिमिट लगाते जगह डी वी बाई डी टी, देखें एक तो ये हो गया बस सोलो, लेकिन अपन ने निकाला अभी भी निकाला अभी हमने अपने क्या निकाला डी एस अपॉन डी टी का निकाला, वेग का मान निकाला ना डी एस अपॉन डी टी चाप वाला भी फॉर्मूला निकाला था, तो इसमें ये भी पुट कर सकते हैं डी बाई डी टी और डी एस बाई डी टी, और ये भी हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला दो फॉर्मूले है ना, दो फॉर्मूले एक फॉर्मूला दो फॉर्मूला फिर तीन फॉर्मूले बन गए है ना, स्पर्श रेखा त्वरण की ये दो हो गए और ये वेग का हो गया मूल्य है ना, और भी बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, जैसे डीएस करके डीएस से ऊपर नीचे गुणा करते और चाप वाप बना दे तो सब अलग बात है ना, अब देखिए बात कर लेते हैं अभिलंबित त्वरण की, अभिलंबित त्वरण अभिलंबित त्वरण देखिए आप लिमिट डेल्टा इज गोइंग टू जीरो, यहाँ पे देखिए कितना है v प्लस डेल साइन और साइन, अभिलंबित से नाम से ही पता चल रहा है कि अभिलंब में कितना है, अभिलंब में कितना है इतना है हाँ, अभिलंब में इतना वेग, और इसके अनुदिश इस पॉइंट पे कोई अभिलंब का है नहीं, क्योंकि इसका देखो मैंने निकाला था अभिलंबित वेग कितना हो गया था जीरो, तो अभिलंबित वेग इस पे जीरो ही हो गया इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब कोई कुछ नहीं घटेगा उसमें, देखो अपने निकाला था उसमें आया था जीरो ठीक है। अब यहाँ डेल्टा, अब देखना लिमिट डेल्टा इज गोइंग टू जीरो, ये देखना यहाँ से ये हो जाएगा वी, कितना हो जाएगा वी वी प्लस डेल साइन और v प्लस डेल साइन और साइन डेल साइन अपॉन डेल टी ठीक है,
और सॉल्व कर लो इसको, अगर v डेल t इज 0 v प्लस डेल साइन बाई डेल t लिमिट डेल t इज डेल साइन इज इक्वल्स टू 0 साइन बाई डेल साइन, हाँ डेल साइन से इसको मैंने गुणा कर दिया, और देखें ये डेल साइन से गुणा कर दिया, एग्जिट लाना है मेरे को इससे, हाँ अगर यहाँ पे भी गुणा कर दिया यहाँ आ जाएगा, देखें डी वाई डी टी वी स्क्वायर, हाँ और यहाँ पे देखें टी साइन और करें आगे साइन डेल साइन और डेल साइन, ठीक है अब बच गया कितना डी टी होना चाहिए था और यहाँ पर आ जाएगा डेल साइन पॉइंट डेल टी, हाँ और यहाँ पर ये ठीक ठीक है, हाँ अब देखें आगे वो सॉल्व करूँ डेल टी इज़ जीरो ताकि वी प्लस डेल साइन लिमिट रखेंगे तो वी प्लस डेल साइन, तो इसकी वैल्यू जो है वो आप कितने ये तो भी कभी डेल साइन बाई डेल टी का मान आपको पता है वो जीरो हो जाए, डेल टी जीरो तो जीरो खत्म डोट, ये इसका मान भी वन है ना, और ये देखें ये वाला अब ये वाला पार्ट और चलेगा लंबा चलेगा डेल साइन इज गोइंग टू जीरो, देखें डेल साइन कर दूँ इसको डेल एस कर दूँ है ना, ये साइन है भैया डेल एस और ये कर दूँ आगे गुणा में लिमिट डेल डेल एस अपॉन डेल टी, लेकिन बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन है ना, अब देखिए यहाँ से वी वी डेल शाइन अपॉन डेल रो कितना आ जाएगा, रो ये तो हो जाएगा वन अपॉन रो, यानी कि चाप क्या होती है रो बराबर होता है डी एस अपॉन डी साइन, ये देखिए ये डी साइन अपॉन डी है तो इसका जो लिमिटेशन होती है उसी का मान रो होता है, यानी किसी की जो वैल्यू है इसकी डेल साइन टू जीरो डी साइन अपॉन डी अपॉन डी साइन इसका मान रो होता है, तो ये अगर वन अपॉन रो की लिमिट लगा रहा हूँ वी अपॉन रो, अब देख ये कितना हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी फिर वी इंटू वी तो जरा वी स्क्वायर बाई रो, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है इसको आप सुव्यवस्थित तरीके से लिख लेनी, वो मैं आपको एग्जांपल दबाऊंगा तब मैं बता तो जाऊँ कि इसको क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, आप फिलहाल एक एक गजल याद रखेंगे, ठीक है बहुत ईजी, देखो यहाँ से एक बार फिर देख लो आप वी प्लस डेल साइन और साइन डेल साइन बाई डेल टी का, ठीक है अब यहाँ से देखो वी प्लस डेल साइन डेल टी इसको इसके नीचे लिख दिया, साइन डेल साइन भाई डेल टी भी नीचे है तो इसके नीचे भी डेल टी आएगा, लेकिन मैंने क्या किया डेल साइन को ऊपर गुणा कर दिया और ऊपर गुणा कर दिया नीचे गुणा कर दिया, लेकिन डेल टी तो लिखना ही पड़ेगा तो वो भी लिख दिया मैंने, अब देखो इसकी वैल्यू अपन जानते हैं अपन छोटी क्लासों में पढ़े हैं लिमिट एक्स इज गोइंग टू जीरो साइन एक्स ग्यारहवीं में पढ़ा है अपने सबने, ये इसकी जो वैल्यू होती थी वो हमेशा वन होती थी तो इसकी वैल्यू वन हो गई है ना, फिर देखें डेल साइन अपॉन डेल टी, अब यहाँ पे आगे में इसको यहाँ पे लिखते हैं डेल साइन अपॉन डेल टी, अब देखो डेल टी तो फिर जीरो के अलग अक्सर है तो इसका मतलब ये तो फिर से खत्म हो जाएगा, साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, तो इसका मतलब क्या किया मैंने डेल एस से ऊपर नीचे बना दिया डेल एस को, ये फिर रो बन जाता है, अब जानते हैं इसका मतलब ये रो बन जाता है और डेल एस अपॉन डेल टी आपको पता ही है कि अपना स्पर्श रेखा वेग होता है, तो फिर उसके भाई रो आ गया बहुत ईजी तरीके से, ठीक है।